चलो सारे बच्चे आ गए, स्टार्ट कर दे लेक्चर। यस ओके चलो। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। अच्छा कल का लेक्चर जो भी कुछ पढ़ाया है वो याद है या नहीं? मैडम कल का लेक्चर कैसे भूलेंगे, बहुत मस्त तरह से किया था। यस और नो? अरे सारी चीज़ें याद है, वो अपनी स्टोरी पूरी याद है या नहीं? टेल मी, अदरवाइज वापस से बताना पड़ेगा मुझे स्टोरी क्या थी आपकी। हाँ ये रहा आपका स्टोरी। ये देखो भाई कल के लेक्चर याद है सारी? यस और नो? यो याद है, आता हूँ मैं। ठीक है ओके ठीक है। तो चलो यार इसी स्टोरी को आगे लेते लेके चलते हैं, थोड़ा सा अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। बट उसके पहले एक काम करना पड़ेगा। वन सेकेंड ना, इसको उठा के नीचे। आप ठीक है? यो तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली देख लेते हैं कि भाई डिमांड क्या होती है। चैप्टर का नाम क्या? डिमांड एनालिसिस। एक तरफ डिमांड, एक तरफ एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस, डिमांड की एनालिसिस करता है कि डिमांड क्या होती है। गाइस डिमांड क्या क्या होती है? इच्छा, डिजायर, पैसा होना, एबिलिटी होना, उसके बाद में विलिंगनेस भी होना परचेस करने की। जैसे हमारे कल के लेक्चर में, हमारे कल के लेक्चर में अमय की इच्छा नहीं थी, ठीक है? सिर्फ इच्छा थी, मतलब पैसे भी नहीं थे और पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो विलिंगनेस टू परचेस का तो सवाल ही नहीं उठता। ओमकार भी का भी वैसे ही था। पार्थ के पास में पैसे थे, लेकिन यार ये पार्थ हमारा बोलता है कि छोड़ यार, अभी एक लड़की आती, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, मैं सीधा अपने करियर पे ध्यान देता हूँ। वो अपने बंदा अपने करियर पे ध्यान दे रहा है बिंदास, ठीक है? ये प्योर अपना हरीश सर है, ठीक है? ओके फिर आते हैं हमारे महेश। महेश बोलता है मैडम पैसा भी है, मतलब डिजायर तो है ही है मैडम, पैसा भी है और साथ साथ में विलिंगनेस भी है, मेरी मेरी इच्छा भी है खर्चे वगैरह करने की, विलिंगनेस भी है खर्चे वगैरह करने की। मुझे एक बात बताओ, तीन एग्जाम्पल लिए थे, अमय का क्या था? अमय का क्या था गाइस? अमय की डिजायर थी, सिर्फ और सिर्फ इच्छा थी उसकी, बाकी कुछ नहीं था। पार्थ का क्या था? पार्थ की वॉन्ट थी। पार्थ की वॉन्ट क्यों थी गाइस? एवरीवन टेल मी, पार्थ की वॉन्ट क्यों थी? क्योंकि उसके पास में पैसा है ना, इसलिए वॉन्ट है। अदरवाइज वो तो रास्ते चलते वाला भिखारी भी बोलेगा कि यार भाई मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, क्या वो ये सारी चीजें कर सकता है? पैसे ही नहीं है ना, तुमसे सोच, ठीक है? ऑब्वियसली लॉजिकल है सारी चीजें, मतलब कुछ भी रट्टा मारने जैसा तो कुछ भी नहीं है गाइस। अच्छा उसके बाद में जैसे फिलहाल अभी अपनी सिचुएशन ऐसी कि अपन तो कुछ कमा वामा नहीं रहे, एकदम घर में बैठे, किताब के आगे, छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप लोग, तो आप जो भी चीज़ें डिमांड करते हो मम्मा पापा बोलते बस बेटा तू सिर्फ सोच, हाँ हो जाएगा। कई बार होता है हाँ ठीक है, बड़ा भाई आके एकदम हाँ हाँ देख लेंगे, तो ये क्या होता है? सिर्फ डिजायर हो गया, ठीक है? जब पैसे हैं ना, अब अगर आप आपके बड़े भाई का एग्जाम्पल लोगे तो उनके पास में पैसे हैं, तब आप बोलोगे वॉन्ट, भाई तेरी वॉन्ट है, मेरी तो सिर्फ डिजायर ही है, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अपने भाई बहन की, मतलब आपके भाई बहन की, ठीक है, उनकी वॉन्ट है और आपकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ इच्छा है। और ये नेक्स्ट लेवल आ जाता है महेश, जिसके पास, इसके पास सिर्फ एक था, ये दोनों नहीं थे, इसके पास में ये दोनों है, पैसा भी है। ये वाला कॉलम क्या गई थी? ये वाला कॉलम क्या बोलोगे आप? मैडम याद नहीं आ रहा है इसको, यहाँ पे क्या लिखना? चलो आ जाओ एक शॉर्टकट और बता दूँ क्या? नहीं याद आ रहा है ना? दाओ, दाओ भी मत करो यार। चलो ठीक है ये भी कुछ, रुको 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 रुको, एग्जाम्पल चेंज, दवा है ये हमारे महेश भाई की दवा है, पता है क्या आपको? अरे अगर वो नहीं मिली ना, कौन, अरे महेश की अगर गर्लफ्रेंड ने उसको हाँ नहीं बोला तो महेश तो बेचारा ऐसे सन्यासी बन जाएगा, ठीक है? वो उसकी खुश रहने की दवा है, जिंदगी जीने की दवा है, ठीक है? तो ये दवा मतलब क्या? डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी टू परचेज भी है, समझ में आ रहा है? अब याद हो जाएगा। अरे कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह से तीनों चीजें याद होती तो कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? महेश के एग्जाम्पल की जगह खुद को फिट कर दो, की फर्क पड़ता है, ठीक है?
तो महेश की क्या हो जाएगी गाइस? डिमांड होगी। तो डिमांड क्या होता है मुझे अब बता दो, डिमांड क्या होती है? दवा किसकी? महेश की, खुश रहने की, जिंदगी को जीने की। ठीक है, तो क्या है डी से? क्या है गाइस फटाफट से बोलो, डी से क्या है? डी से क्या है गाइस? डी से डिजायर। डब्ल्यू से विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस कब आएगी? विलिंगनेस इच्छा, ठीक है, विलिंगनेस टू परचेज, टू परचेज। और ए से क्या होगा? ए से होगा एबिलिटी होगी पेमेंट करने की, एबिलिटी। अरे जब जेब में पैसा होगा ना तब हम बोलेंगे कि सामने वाले की एबिलिटी है, सामने वाले की उतनी औकात है। डन, लर्न हुआ एवरी वन ऑफ यू? यस, पक्का से। महेश को शादी मुबारक, एक नंबर है यार। यहाँ तो शादी भी कर डाली तुमने, सही है। कितने इतने फास्ट फॉरवर्ड लेवल के बच्चे हैं ना मेरे पास, थर्ड एकदम। ओके थैंक यू, चलो बढ़े आगे। रुको जरा, रस्सी पकड़ के रखो अभी, महेश नहीं तो भाग जाएगा अभी। पकड़ के रखो अभी, महेश की शादी मत कराओ अभी, रुको, उसकी शादी करवाएंगे अपन अगले लेक्चर्स में करवाएंगे, ठीक है? फिर कभी 12th स्टैंडर्ड में करा देंगे, चिंता ना करो, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ इधर। दवा याद रहेगा एनीवेज, ठीक है? डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, ये याद रहेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ यार। अब आपको डिमांड तो समझ में आ गई, अच्छे से, अच्छी तरह से डिमांड समझ में आ गया गाइस। डिमांड क्या है अगर मैं बोलूँ? आप लोग आई होप आप ये सारी चीजें, सारी एग्जाम्पल, एक एक छोटी छोटी चीजें लिख कर रख रहे हो। यस सर, नो? अरे भाई लिखो साथ साथ में। मैडम ये भी, हाँ जी लिखो, जो भी कुछ बोल रही हूँ लिखो। आपको इकोनॉमिक्स चाहिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के दिनों में रट्टा मारना है? नहीं ना। तो ये सारे जब एग्जाम्पल एक फ्लो में याद आएंगे ना तो आपका चैप्टर वैसे ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है? स्टोरी याद आनी चाहिए, लिख कर रखो सारी चीजें। डिमांड क्या है फिर? अब हम शॉर्ट में बोलेंगे, डिमांड दवा है जिंदगी जीने की महेश के लिए, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके हंसने की दवा है, ठीक है? ओके, अब चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस। कहीं एनालिसिस मतलब क्या होता है यार, ये तो मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से अपना मोबाइल है आपके आसपास में, मोबाइल लो फटाफट से, आप भी इस तरह से करो, डिक्शनरी मीनिंग देखो जरा मोबाइल। एनालिसिस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? चलो बताओ मुझे, डिक्शनरी मीनिंग देख के बताओ जल्दी जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एनालिसिस? अरे बताओ ना, क्या कर रहे हो? डिक्शनरी देखो जल्दी जल्दी से बताओ। अरे हाँ सच्ची देखना है, देखो डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ओके ये लो भाई, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। और केयरफुल एग्जामिनेशन, अरे छोटे छोटे वर्ड लो यार। कौन है जो अभी हमें लेक्चर्स के टाइम पे, तो कोई हमें, आप और हम, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना? लो साइलेंट। चलो बोलो, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, केयरफुल एग्जामिनेशन, और क्या क्या है एनालिसिस मतलब? चलो यार आप लोग नहीं देख रहे हो, मैं ही देख लेती हूँ। जल्दी जल्दी बताते नहीं है यार मेरे बच्चे, मतलब इतना ऐसे टाइम पास करता है ना इधर, फटाफट से मोबाइल लेके देखने का ना एनालिसिस का मीनिंग। एनालिसिस डालो अपना मीनिंग आ जाता है। ये देखो जी आ गई मीनिंग, ये नीचे दिख रही है सिमिलर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और लिखते हैं सारी चीजें लिखते हैं। देखो इन्वेस्टिगेशन, ओके लो लिख लिया भाई, इन्वेस्टिगेशन लिख लिया। और क्या है? इंस्पेक्शन। ओके सर्वे करना, ठीक है सर्वे भी लिख लिया। और क्या है? स्टडी करना, ठीक है स्टडी भी करेंगे हम। इंक्वायरी करना, ठीक है रिव्यू करना, ठीक है इवैल्यूएट करना, ओके रिसर्च करना, जो भी कुछ है, ठीक है इस तरह से बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है ओके। तो गाइस एनालिसिस मतलब अभी आपके इकोनॉमी में डिमांड, अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, मुझे बताओ अभी डिमांड किसकी होगी? डिमांड किसकी रेस कर रहे हो आप? ये दवा किसकी पढ़ रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज की, यस और नो? ये गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में डिमांड कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ पे, कितनी रेज हो रही है, ये देखना है। इस चीज की एनालिसिस करनी है आपको ये चैप्टर में, समझो। अगर कोई एक इंडिविजुअल इंसान, कोई गुड्स का डिमांड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है भाई? सैनिटाइजर लेने जा रहे हो क्यों? कोरोना है इसीलिए,
घर में। अच्छा दवाई लेने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, कोई बीमार है इसलिए गई, ठीक है। अच्छा और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, चलो ये तो एक इंडिविजुअल इंसान की डिमांड थी, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोल देंगे हम इसको? इंडिविजुअल डिमांड, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब ना हम लोग ऐसे कोई एक एक एरिया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के उसकी स्टडी करते हैं, ओके, ठीक है। चलो यार आपके आसपास में कोई भी एरिया बताओ मुझे, जैसे हम लोग वी स्टे इन बावधान, तो हमारे बावधान के एरिया में, पुणे में बावधान का जो एरिया है, ठीक है, बावधान के एरिया में कोई भी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा ये गुड्स पे दवा लगाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वो लोगों की दवा है, इस तरह से समझ लो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग ये गुड्स परचेस करना चाह रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो डिमांड क्यों हुई, क्यों बढ़ी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंस्पेक्शन करो कि पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड क्यों बढ़ी। अच्छा बहुत ज्यादा सस्ता है क्या, बहुत ज्यादा सस्ता है क्या, इसलिए डिमांड बढ़ गई क्या, सर्वे करो, उसकी स्टडी करो, इंक्वायरी करो, रिव्यू करो, रिसर्च करो, एन नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करो, समझ में आ रहा है एनालिसिस मतलब, एवरीवन डिमांड मतलब समझा, एनालिसिस मतलब समझा क्या, टेल मी गाइस, विश्लेषण एक नाम भूमिका नहीं, कौन है ये, अभिषेक हजारे, ओके समझ में आया हूँ, यस, आपके एरिया में समझ में आ रहा है, डिमांड की एनालिसिस करना, चैप्टर का नाम भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, ओके। तो अब थोड़ा सा ये एग्जाम्पल्स को मैं आगे लेके चल रही हूँ। नाउ टेल मी दिस वन, कि ये जो हम किसकी, ये हो आप, ये है आप, ठीक है, आप क्या करोगे, आप गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करोगे और इसके बदले में पैसा पेमेंट करोगे, पैसा नहीं है तो फिर डिमांड नहीं कहलाएगी, मतलब डिमांड कब कहलाएगी, जब एबिलिटी होगी पे करने की, जब आपकी वो दवा होगी, समझ में आ रहा कंसेप्ट, यस और नो, ठीक है, दाओ बोल दो, दवा बोल दो, जो बोलना है बोल दो यार, गाइज अपना पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी मेमोरी टेक्निक यूज करो उससे आंसर लर्न होने चाहिए, एग्जाम में चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है, ओके। दवा एक स्टोरी बन गई कि भाई महेश के लिए वो दवा हो जाती है, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, समझ में आ रहा कंसेप्ट, कोई भी ये जो बंदा है उसने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की और सामने शॉप में जाके पैसे दिया, तो ये क्या हो गया, अच्छा पैसे है दिया, देने की इच्छा है, तब जाके वो हमारी डिमांड बनेगा, यस और नो, पैसे जब वो उसकी देने की इच्छा होगी या उसने जब पैसे दे दिए तब वो डिमांड बनेगा, यस समझ में आ रहा कंसेप्ट, ओके। तो मुझे एक बार बताओ, क्या सिर्फ पैसे ही चाहिए या फिर मैं इस पैसे के बदले में रिसोर्सेज लिख लूँ, चैप्टर नंबर वन, टॉपिक नंबर वन, टॉपिक जीरो, याद आ रहा सारी कंसेप्ट की रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, अरे पास में गोल्ड पड़ा है, गोल्ड का एक कॉइन पड़ा है, पैसे नहीं है, रुपीज नहीं है, क्या उसको दे के भी खरीद सकते हैं, अरे हाँ फिर भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी, आप समझो कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, रुपीज के बदले में कोई भी चीज है, गोल्ड है, कोई और रिसोर्स है, उसको दे के आपने सामने गुड्स खरीद लिया, वो भी डिमांड है, रिसोर्सेस, डन एवरीवन, सारे लेक्चर्स याद आ रहे हैं आपको, यस और नो, टेल मी, आ रहा है ना, ए भाई ब्लैंक हुआ तो, हाँ ओके थैंक यू, ऐसे रिप्लाई कर दिया करो यार जल्दी जल्दी, टेंशन आ जाती है, इतने अच्छे से करवाने के बाद में भी अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं हो रहा तो फिर टेंशन आएगी ना, ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा नोट्स में देख ले क्या, नोट्स क्या बोलता है अपना, चलो आ जाओ एक बार नोट्स में देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मतलब होती है कोई डिजायर, कोई विश, कोई डिजायर, कोई विश, ठीक है, इट मीन एन अर्ज टू हैव समथिंग, कोई चीज बहुत जोर से चाहिए, अर्ज टू हैव समथिंग, मम्मा मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है। अच्छा और इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डिजायर कब होती है, दवा होती है जब उसकी, ठीक है, महेश के लिए जब उसकी दवा है, मतलब इट मीन्स अ डिजायर, इट मीन्स सुनो सुनो सुनो, इट मीन्स अ डिजायर, डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। ये दवा से आपका पूरा लाइन सेंटेंस याद हो रहा है, टेल मी याद हुआ पक्का से, दिस दवा वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करने को आ रहा है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, यस ओके ठीक है। अब नाउ टेक्स एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया,
अच्छा मुझे अभी एक बात बताना, अब अगर महेश को मॉरिशस जाना होगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके जाएगा? अब जो भी कोई है यार, सारा अली खान है या आलिया भट्ट है, जिसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था, ऑब्वियसली वो उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आएगा, तभी तो वो उस, है ना। लेकिन उसके पास में पैसा होगा तो वो डिमांड है, अगर पैसा नहीं होगा तो वो सिंपली एक डिजायर है, नॉट डिमांड। मतलब डिमांड क्या होता है, वो एक इफेक्टिव डिजायर होती है। इसका मतलब ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, एवरीथिंग डन। चीजें समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड क्या होती है गाइस, डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर होती है, एंड ऑल डिजायर, सारी आपकी इच्छाएं डिमांड नहीं है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, इतनी सारी चीजें डिमांड करो डिमांड करो, भाई बोलता हाँ ठीक है रुक, ठीक है। भाई की इच्छा डिमांड है अपनी, ठीक है ओके। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके अमय का, ये है पार्थ का, और ये है महेश का, डन। आपको मैंने ऐसे भी बताया था कि ये प्लस के बदले में क्या लिखोगे, विच इज बैक्ड बाय, हाईलाइट करके दिया है। डोंट वरी, नोट्स अपनी पूरी कलरफुल है, जो जो चीजें मुझे आपको एग्जाम में लिखवानी है वो सारी चीजें कलर्ड करके हाईलाइट करके दिया है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप जस्ट ओवरलुक करोगे ना, तो भी आपको चीजें याद आनी, भूल ही नहीं सकते हो, गारंटी, डन। और दूसरे वाला एंड, दूसरे वाला प्लस को क्या बोलोगे, एंड, ठीक है, ठीक है जी। चलो बढ़ो आगे, अब आती है इसकी बारी, ठीक है। चलो बता दो मुझे, यहां तक चीजें समझ में आई क्या आपको? सारे सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, और अब मुझे बताओ, इंडिया में, इन इंडिया दो सेकेंड, वॉच है इंडिया में, जो वॉच है वो 1 लाख यूनिट सेल होती है, 1 लाख यूनिट्स बिकते हैं, मुझे बताओ क्या ये डिमांड है क्या? टेल मी, सोच समझ के आंसर देना। अरे भाई आराम से, इंडिया में वॉचेस 1 लाख यूनिट्स की सोल्ड आउट होती है। अब मेरे हाथ में वॉच था, मैंने वॉच का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इज इट डिमांड, यस और नो? एवरीवन बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, ओके। नहीं बच्चों, ये डिमांड नहीं है, नो इट इज नॉट डिमांड। मैडम क्यों? ये डिमांड नहीं है। मुझे एक बात बताओ ना यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। वॉच, बहुत सारी वॉच होती है, कौन सी वॉच, कौन सी कंपनी की? अरे फॉसिल की बोल रहे हो, टाइटन की बोल रहे हो, गागा बोल रहे हो, टाइटन में भी गागा बोल रहे हो, कौन सी वॉच, कुछ ही नहीं बोला है। कितने प्राइस पे बिकी है वो भी नहीं बोला है, बस एक लाइन बोल दी है, इंडिया में जो इतनी वॉच बेची गई। अरे कौन सी कंपनी की, कौन सा मॉडल, वो तो बता दो भाई, समझ रहा है? इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने एक और बोल दिया, चलो एक एक नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिया में टाइटन, टाइटन का आपको पता है क्या, वो जो टाइटन गागा है ना, आई थिंक टाइटन गागा का जो सीरीज है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है, मतलब उसकी वॉच बहुत मस्त होती है, ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। तो वो वाली वॉच जो है टाइटन गागा की जो वॉच है, टाइटन में भी देखो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, वो 1 लाख यूनिट्स बिकी है। अब मुझे बता दो क्या ये डिमांड है? डिमांड चालू है, ठीक है, डिमांड, टेल मी गाइस, क्या ये डिमांड है, यस और नो? क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? एक नंबर, नाउ गॉट इट। अभी भी डिमांड नहीं है, लो अभी भी डिमांड नहीं है। मैडम क्यों, अब क्या कमी रहेगी ये सेंटेंस में? अभी भी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब ध्यान से सुनो, इंडिया में ये सुबोध बोलो क्या कमी रह गई ये सेंटेंस में, बताओ जी। प्राइस की, ओके ठीक है, ले लो प्राइस, ले लो
जो 7,800 की जो वॉच है, 7,800 की जो वॉच है, ठीक है, वो बहुत प्यारी सी वॉच है, वो 1 लाख यूनिट्स बिकती है। नाउ टेल मी, नाउ इट दिस इज डिमांड, क्या अब आप इसको बोलोगे डिमांड है? अब डिमांड है, देख लो, सोच समझ के बोलना। अभी भी डिमांड नहीं है, अभी भी डिमांड नहीं है। अरे कभी बिकी, मतलब क्या पूरे, मतलब जब से आप पैदा हुए तब से लेके अभी तक, कब की बात कर रहे हो? 1 साल की बात कर रहे हो, 1 महीने की बात कर रहे हो, क्वार्टर्स की बात कर रहे हो, मंथली, 6 मंथली बात कर रहे हो, सेमी एनुअली बात कर रहे हो, कब की? लिखो ना, पूरा लिखो ना आप, तब समझ में आएगा कि तब आप बोलोगे कि वो डिमांड है। समझ लो, डिमांड पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर यूनिट डिमांड की है, तब आप बोलोगे डिमांड है वो। गॉट इट? तो अब मुझे बताओ, नाउ इंडिया में बात कर रहे हो आप, ओके, टाइटन गागा का, गागा की बात कर रहे हो, ठीक है, 7,800 रुपए में 2021 में, मतलब कोरोना के टाइम पे भी 1 लाख वॉचेस सेल हुई है, 2021 का जो ईयर था। अच्छा, नाउ दिस इज नोन एज डिमांड। गॉट इट? अभी समझ में आ रहा है, यस और नो? मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर क्या बोलते, पीरियड पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे कितना यूनिट तुम डिमांड कर रहे हो, तब बोलोगे वो डिमांड है। इसका मतलब क्या, जो डिमांड है ना, जो डिमांड है ना, वो टाइम और प्राइस से रिलेटेड है। यस और नो? आप कौन से टाइम पे क्या डिमांड करते हो, इट मैटर्स, यस और नो? अभी यहाँ पे कौन है, तनिष्का जो जाती है सीधा पानीपुरी वाले के पास में, पूछती है भैया पानीपुरी खानी है, हर जगह लिखा है 10-10 रुपए की, 10-10 रुपए की पानीपुरी है, हर एक जगह लिखा है, लेकिन फिर भी तनिष्का जाके पूछती भैया पैसे कितने रुपए की प्लेट है, मतलब 1 प्लेट कितने रुपए की? अरे यार कैसी बात कर रहे हो मैडम, हर जगह तो लिख लिया मैंने, हर जगह तो वो टांग दिए 10-10 रुपए की प्राइसेस है। वो शाम के समय जाती है पानीपुरी खाने के लिए, और कितने पीसेस हैं, वो सारी चीजें पूछती है, तब जाके वो डिमांड है। गॉट इट? आप खुद सोचो ना, आप खुद भी किसी भी शोरूम में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, एंड तो आप पूछते हो ये सारी चीजें, ये सुनो, आप ये सारी चीजें पूछते हो बेटा कि भाई डोमिनोज मुझे चीज बस देना, कितने देर में मिलेगा, कितनी प्राइस में मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग पूछते हैं, कितनी प्राइस है, तब जाके आप बोलते हो यस इट इज डिमांड। गॉट इट? गॉट द कंसेप्ट एवरी वन ऑफ यू? टेल मी, कंसेप्ट समझा? अच्छा, एनी वन न्यू ओवर ईयर? यस बेटा, कोई भी न्यू स्टूडेंट है यहाँ पे? एनी वन न्यू स्टूडेंट? ओल्ड है ना सारे? ओके, ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैप्टर 3 से मेरे साथ साथ शुरू करोगे, ठीक है? आप सभी न्यू स्टूडेंट्स वालों के लिए मैंने एक चीज बोली है, चैप्टर 3 से मेरे साथ साथ शुरू करो, मैं जहां से पढ़ा रही हूं वहां से मेरे साथ साथ रहो, एंड टॉपिक 0 से पहले सारे लेक्चर देखोगे, ठीक है? ये भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर बीच में आए तो पढ़ना कैसे मैडम, मजा नहीं आएगा, अगर लाइव नहीं आ रहा ना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो बोरिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आया? ओके, चलो फिर आ जाओ। अगर आपको ये समझ में आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, 1 मिनट थोड़ा सा कंक्लूड तो कर लो यार, कंक्लूड करना तो बाकी है ना, मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर पीरियड पे, पर्टिकुलर यूनिट्स तुम डिमांड करो, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ये तीनों चीजें अगर है तो वो डिमांड है। डन? समझ में आया कंसेप्ट? तो चलो आ जाओ यार, नोट्स में आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब मैं आपको क्या लर्न करवा रही हूँ, बेनहम की डेफिनेशन, चलो आ जाओ। द डिमांड फॉर एनीथिंग, अब बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं, आपको ये डेंजर डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी। द डिमांड, जो डिमांड करो आप फॉर एनी थिंग, कोई भी चीज की डिमांड करो, एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट, विच विल बी बॉट पर यूनिट, एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट विच विल बी बॉट पर यूनिट, मतलब मैडम, मतलब 7,800 रुपए पे बेटा तुमने 1 लाख यूनिट्स खरीदे
खरीद रहे हैं, मतलब अपन सेल कर रहे हैं टोटल, ठीक है, या परचेज हो रही है, इंडिया में इतनी गुड्स की डिमांड हो रही है, 7,800 वाली जो घड़ी है, फॉर एनीथिंग वॉच, कौन सी वॉच? टाइटन गागा की वॉच, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन, मेरे साथ साथ बोलो, एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट। वापस से बोलेंगे, एट अ गिवन प्राइस, देखो एट अ गिवन प्राइस, अरे जोर से बोलो, बेशर्मों की जैसे पढ़ो, बहुत मजा आती है, जन्नत लगता है, पता है क्या, जब चीजें लर्न होती है और फिर वैसे पेजेस पलटने पड़ेंगे ना, सीरियसली, मतलब यू विल रिमेम्बर एंड यू विल थैंक्स कि भाई मैम सच में यार इकोनॉमिक्स आपने इतना ईजी कर दिया ना जिसकी कोई हाइट नहीं। साथ साथ बोलो तभी होगा, अदरवाइज वेस्ट है, वेस्ट है आपके मॉम डैड के पैसे, वेस्ट है अपने टाइम एनर्जी, सारी चीजें वेस्ट है। गाइस बोलो, डिमांड फॉर एनी थिंग एट अ गिवन प्राइस, एक गिवन प्राइस पे इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट, पर यूनिट, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, पर यूनिट ऑफ टाइम 2021 में इतना खरीदा, उस प्राइस पे इतना खरीदा। बोलो, लर्न हुआ जी? डेफिनेशन समझ में आया क्या? चलो लर्न नहीं हुआ होगा, समझ, कई बच्चों को लर्न हो गया होगा, किसी को नहीं हुआ होगा, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बट मुझे अभी इतना बता दो, समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझा? हाँ जी, पक्का से तोड़, एवरी वन ऑफ यू, टेक्निकल है, बच्चे छोड़ के जाते डेफिनेशन, लिटरली अपने ओन वर्ड लिख कर आते हैं, बट हम लोग तो भाई एकदम आज इट इज एकदम परफेक्ट, हमारा सारी चीजें प्लान्ड है, एग्जाम में कितना लिखना कितना नहीं लिखना वो सारी चीजें हमें मालूम है, मतलब हम अभी से ही प्रिपेयर्ड है, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिखेंगे, इतने मार्क्स का है तो इतना लिखेंगे। ये समझ में आया? चलो आ जाओ, अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा जी तो फटाफट से मेरे साथ साथ बोलना है, खड़े हो जाओ यार शांति से मस्त से। डिमांड क्या कर रहे हो हम लोग, क्या लर्न कर रहे हैं? बेनहम की डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं डिमांड की, ठीक है, और ये क्या होगा? डिमांड फॉर एनी थिंग एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट, इज द अमाउंट ऑफ इट, इट मतलब यहाँ पे इट क्यों आया? वही वॉच की डिमांड कर रहे हो ना, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट, ठीक है, उसके बाद में क्या बोलोगे? पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, सिंपल, तकलीफ तो थोड़ी सी यहाँ ही आएगी, ज्यादा कहीं नहीं आएगी, ठीक है। वापस से बोलेंगे मेरे साथ, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, 7,800 वाली प्राइस पे अगर खरीद रहे हो तो वो डिमांड कहलाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा? एवरी वन ऑफ यू लर्न हुआ क्या मेरे साथ साथ? तो अब इसी से ही मैं कुछ फीचर्स बना दूं, अब मैं फीचर्स बना देती हूँ, ए डिमांड आ जा, तेरे फीचर्स, तेरे चाल ढाल, तेरे रूप, कि तू रिलेटिव कंसेप्ट है यार, दोनों रिलेटेड है, तू टाइम से भी रिलेटेड है, तू प्राइस से भी रिलेटेड है, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, समझ में आया? और लास्ट में लिखेंगे हम कि इट इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस, इट इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस, समझ में आया कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू, कुछ भी रट्टा मारना पड़ा क्या यार अभी तक के सिनारियों में? हो गया मस्त तरह से, डिमांड समझ में आया क्या है, लिख कर आओगे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और डेफिनेशन। अरे उम्मीद करूँ सारे बच्चे इतने अच्छी तरह से पढ़ाने के बाद में, लर्न कराने के बाद में लिख कर आएंगे, यस ओके, चलो आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हम लोग। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, डिमांड का शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, जिधर जिधर शेड्यूल उधर उधर हमको पता है मैडम एक टेबल बनाने का है, ठीक है, वहां पे क्या बनाना, अरे लॉ ऑफ डीएमयू वाला याद है ना, सारी कंसेप्ट, यूटिलिटी वाला याद है, क्या किया था हमने वहां पे, शेड्यूल बोला तो टेबल बनाया था बस, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यहां तक तो हमें पहले ही पता है, इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल बनाना है आपको, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कितने टाइम पे, देखो इधर रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी, अब ये मुझे बताओ, सेम चीज है, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, कितने प्राइस पे तुम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की,
अब वो 7,000 वाली जो वॉच थी, 7,800 वाली जो वॉच है, उसमें तुम कितनी क्वांटिटी डिमांड करो? 1 लाख। ओके, और जब वही उसकी ही जो प्राइसेस बढ़ गए हैं तो फिर कितनी क्वांटिटी डिमांड करो? प्राइसेस कम हो गए तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करो? बस उसका शेड्यूल बनाओ, खत्म। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो डिमांड शेड्यूल में भी ईदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल क्या, बस एक अकेले इंडिविजुअल की डिमांड देख लो, वो गई आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलेंगे जो पैसे देंगे और खरीदेंगे, तो मार्केट की, बावधान एरिया की, ठीक है, या आपके एरिया की मार्केट डिमांड शेड्यूल। आपके मार्केट में लोग कितना पैसा देके कितना कंज्यूम करते हैं, वो गया आपके मार्केट डिमांड शेड्यूल। बना लो मैडम, यहाँ पे तो एक ही कंज्यूमर का बनाना है। यस, एक ही रहेगा यहाँ पे, मिस्टर ए रहेंगे हमारे, अरे सॉरी, महेश रहेगा हमारा। यहाँ कौन रहेगा? यहाँ पे महेश रहेगा। और यहाँ पे चलो मान लो यार, हमारे मार्केट में तीन ही लोग हैं, एक है अमय, एक है हमारा पार्थ और तीसरा है महेश। समझ रहे? इन तीनों का शेड्यूल बना लिया तो वो हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। वी आर अज्यूमिंग यार, सी गाइस, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, नो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो इतने सारे मार्केट में तो कितने लाखों लोग रहेंगे, उतने का नहीं, हमने सिर्फ तीन लोग इमेजिन किया, अमय, पार्थ और महेश। वो हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ में आ रहा कंसेप्ट? टिल हियर एनी डाउट्स टू एनी बड्डी? टिल हियर एनी डाउट टू एनी बडी? डिमांड शेड्यूल बोला तो क्या लिखोगे? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या? टेबुलर फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशन, अरे आपस में रिलेशनशिप है ना, बोल दो ना, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पक्का से हुआ? देखो, फंक्शनल रिलेशनशिप जो उन्होंने ये वर्ड बोला है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, और प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। ये मैं आपको आगे धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स होंगे वैसे बताऊंगी। यहां तक समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? पक्का से तोड़ बढ़ू आगे, ठीक। यप, ओके, डन। चलो जी, फिर आ जाओ, थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा पढ़ ले क्या आज? पढ़ ले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी कर ले फिनिश। बोलो, कर लिया जाए क्या? यस, अपना इकोनॉमिक्स पहले खत्म होना मांगता है ना, हरीश सर के अकाउंट से पहले। चलो आ जाओ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक पर्टिकुलर, मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा की डिमांड देख रही हूं कि नेहा कब कौन सी चीज कितनी प्राइस पे डिमांड करती है। अब नेहा को लेने जाना है ना, एक लिपस्टिक लेने जानी है, अभी फेयरवेल वेयरवेल आ रहा है ना, तो उसको लिपस्टिक वगैरह लेने जानी है शॉप में। तो नेहा आ जाओ इधर। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है नेहा की, वो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, यहाँ पे नेहा, एट अ गिवन प्राइस। मान लो वो मेबलिन की या रेवलॉन की कोई अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक लेती है, जो कितने की आती है गाइस? 400 500 की आती है, मान लो, चलो 400 रुपये की उसने एक लिपस्टिक ली, ठीक है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगी? इज द क्वांटिटी डिमांडेड, इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय नेहा बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल, इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगी गाइस? अरे ऑब्वियसली, लड़के को वो खर्चा करेगा तो लड़कियों को भी तो सज धज के आना पड़ेगा ना। इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? इज द कौन, अरे आंसर गई इधर 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 किधर, नहीं कहीं ध्यान नहीं अभी, चलो आ जाओ फटाफट से फिनिश करना है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? इज द क्वांटिटी आपने जितनी डिमांड की है बाय अ कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस और टाइम तो साथ साथ चलेंगे, सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ रहा है क्यों साथ साथ चलेंगे? पक्का से समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? शेड्यूल बनाना है ना, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। मैडम ये डॉट 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 मतलब क्या? ये डॉट 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 डॉट, अब ध्यान से सुनो, ये डॉट का मतलब
इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पूरा छाप डालो, ये लिखना है यहाँ पे, आपने डॉट 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 नहीं लिखना बेटा। लेक्चर्स जो भी किसी फ्रेंड्स को नोट्स वगैरह दे रहे होंगे उनको भी बताना है सारी चीजें, ठीक है। उनको बोलना लेक्चर नहीं देखा तो नोट्स कोई काम के नहीं है, ठीक है। सिर्फ रट्टा मारोगे कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, शॉर्टकट है, यस ऑब्वियसली शॉर्टकट है। क्या बोलोगे, एक लाइन लर्न हुआ, एक बार लर्न हुआ। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हुआ, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। वापस वही वही पूरा रामायण लिखने का, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर ड्यूरिंग अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हुआ लर्न मेरे साथ साथ एवरी वन ऑफ यू, डन तोड़ बढ़ू आगे बेटा, बोलो लर्न हो रहा है ना साथ साथ में, यस ओके। तो देखो दैट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, यहां लिख के दिया मैंने आपको शॉर्ट में। टैबुलर टी आर क्या है यहां पे गाइस, टी आर क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो भी शॉर्टकट्स वगैरह है ना, देखो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड के लिए कई बार क्यू डी यूज करूंगी, ठीक है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए टी आर यूज करूंगी, एक बार बता दिया मैंने आपको, अब शॉर्टकट यूज करूंगी। आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैम साइड में लिख देंगे ना टी आर इक्वल टू, नहीं चाहिए ना नंबर आउट ऑफ डेली आके मेरे सिर पे से ये धमाल करते हो ना, आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ, फिर नहीं लिखना बेटा, ठीक है। एक नंबर भी नहीं कटना तो बिल्कुल मत लिखना, ठीक है ओके। चलो एक बार रीड आउट कर लो कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मीनिंग लिख लिया आपने, आपने क्या लिख लिया अभी पता है आपको, आप लोगों ने मीनिंग लिख लिया, ये रहा आपका मीनिंग। मीनिंग में इतना सारा लिखोगे, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करोगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे पहले हम तो समझ लें। प्राइसेस 50 रुपए था, ठीक है, तो नेहा एक ही चीज खरीदती थी, और जब 40 रुपए प्राइस हो गई, कम हो गई प्राइस, तो नेहा बोलती है मैडम 10 रुपए सस्ता हो गया ना, मैं दो लेकर आ गई मम्मी, ये ले। मम्मा बोल रही है ले, जिधर 50 रुपए का काम था उधर तूने 80 रुपए खर्चे कर दिए। अरे मम्मा सस्ता मिला ना, आपको अगले महीने खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। 30 रुपए में मिला तो नेहा मैडम 3 लेकर आ गए हमारे, 20 रुपए में मिला तो 4, और 10 में मिला तो अब तो वो बोलती कि भाई मम्मा देख, मम्मा मम्मा देख, लॉजिक है इधर इसके पीछे। 50 रुपए दिए थे ना तुमने, तुमने बोला था 1 किलो लेके आना, मैं 5 किलो लेकर आई हूँ 50 रुपए में। आपने जितना दिया तो उससे एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चा किया क्या मैंने, नहीं ना। फिर बोलने का नहीं मेरे को, डांटने का नहीं, मैं आपका एक तो फायदा करा के आ रही हूँ और ऊपर से आप मेरे को डांट रही हो। 10 रुपए था तो नेहा ने कितना परचेज किया, 5 किलो। एंड गाइज इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर किसी की होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, बस इसी को ही एक्सप्लेन करना है कि इन द गिवन टेबल व्हेन द प्राइस, जब प्राइस 50 थी तो क्वांटिटी क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg। आप अपने नोट्स में लिखकर रखोगे बेटा ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आप आपके नोट्स में लिखकर रखोगे। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, 50 से 40 हुआ तो 1 से 2 क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, 40 से 30 हुआ तो 2 से 3 हो गया, और 30 से 20 हो गया मतलब और कम तो और बढ़ गया क्वांटिटी डिमांड, और जब और सबसे कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट हो गया। समझ में आ रहा है, बस यही चीजें लिखोगे। देखो व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, 1 to 2 kg, 30 तो 3 kg, 20 से 10 तो 4 से 5 kg, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे। बट मेक श्योर अगर आउट ऑफ चाहिए ना भाई गाइस, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। मैंने लिख कर दिया आपको नोट्स में, सारी चीजें प्रोवाइडेड की है। ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, कि मैडम जब हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन गाइस, when higher the price of a commodity smaller is the quantity demanded, and when the lower the quantity price of a commodity lower the price of a commodity larger is the quantity demanded, it means matlab jab price badi thi to quantity demanded kam thi, aur jab price kam ho gayi to quantity demanded badh gaya, matlab dono mein kaisa relation hai, ek upar jata to ek niche jata hai, ek niche jata to dusra upar jata hai, matlab kaun sa relation hai gayi, inverse relationship hai। कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू,
इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशनशिप बोलोगे आप, ठीक है, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। अच्छा अब आपको यहीं पे लो एक और अच्छा प्रेजेंटेशन बताती हूँ, ये रिलेशनशिप के बाजू में लिख देना फंक्शनल रिलेशनशिप, पूरा लिखो तोर, ठीक है, ये लेक्चर्स वाले स्टूडेंट को ही मिलेगा, नोट्स सबके पास जा रही है आई नो, बट सारे बच्चों ने नोट्स खरीदे हैं, ठीक है, सबके ऑर्डर आ रहे हैं, बट लेक्चर्स वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली समथिंग एक्स्ट्रा विल बी देयर, फंक्शनल रिलेशनशिप लिख करो, क्या है उसका फंक्शनल रिलेशनशिप, इनवर्स, समझ में आ रहा है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, इनवर्स, ऐसे डांसिंग, डन एवरीवन, तोड़, समझ में आया क्या। सो गाइस यहाँ तक आप सभी का होमवर्क है कि बेनहम की डेफिनेशन 2 से 3 बार लिख लिख के लर्न करके मुझे आज भेजोगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व पूरा अच्छे से, ये पूरा ये जो शेड्यूल है ये पूरा भेजोगे और फटाफट से हम लोग कर्व देख लेते हैं, तो आज इंडिविजुअल डिमांड ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा 2-4 लाइन बचा है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कर्व की बात कर रही हूँ, कर्व क्या होता है गाइस, कर्व ग्राफिकल, कर्व क्या होता है, जी आर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल क्या होता है, टी आर, लिखो शेड्यूल क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, कर्व क्या होता है, ग्राफिकल, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन किया, जी आर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, इसके आगे पूरा कंटिन्यू कर दो, ऊपर की पूरी लाइन कंटिन्यू कर दो, मैडम कौन सी, ये पूरी, इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फिर डायग्राम ड्रॉ करो, बताओ उनको एक्स एक्सिस में हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में हमारे क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, नंबर ऑफ यूनिट्स का ही कह रहे, कुछ भी, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है और यहाँ पे क्या है, प्राइसेस है, ठीक, ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स को तो क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं ना, ये लो प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप, वही है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस, एंड देयर जब आप स्लोप बनाओगे, अब देखो थोड़ा सा स्लोप बनाते हैं, 50 पे 1, ये रहा 1 पे 50, ये इधर ज्वाइन हो गया, ये रहा 40 पे 2, ये रहा 40, ये रहा 2, ये रहा 30 पे 3, ये रहा 30 पे 3, ये लो ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, 20 पे 4, ये रहा 20, ये रहा 4, और 10 पे 5, इधर रहा 10, 10 पे 5, तो अब कैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर ड्रॉन, When the locus of all the points are joined, see यहाँ पे ये point नहीं लिखा है, आपके textbook में भी नहीं लिखा है, लेकिन हम तो लिखेंगे, याद आ रहा है DMU का lecture, ठीक है, When the locus of all these points are joined, we get demand curve DD, which slopes downward, downward जाता है, left से right में जाता है, guys left, ये left है, left से right की तरफ भाग रहा है ना, तो left to right, simple, और कौन सा slope है, इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, सिंपल। अब आपके सारे आंसर्स इसी तरह से पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स में एग्जाम में लिख कर आओगे, ठीक है, समझ में आया। मैडम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पूछा तो शेड्यूल भी लिखने का, इंडिविजुअल डिमांड पूछा आपने तो शेड्यूल भी बताने का, कर्व भी बताने का, ठीक है, दोनों चीजें बताना, ठीक है, ओके, ये बेटा प्राइस डिस्क्लोज कर देंगे आपको, डोंट वरी, विद इन नेक्स्ट वीक आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी बच्चों ने ऑर्डर कर दिए, ओके, चलो। सो आज बहुत कुछ पढ़ लिया यार, इतना पार्ट आज आपका होमवर्क है, दो दो बार मेरे को लिख कर भेजोगे, ये ग्राफ एक बार बनाना, खुद से बनाना है, मुझे बताना कि आपको कोई डाउट्स आ रहे नहीं आ रहे, मैडम ग्राफ पेपर नहीं है, अरे किसको, एग्जाम में थोड़ी ना मिलता है, स्केल से बनाओ, स्केल पेंसिल से, ठीक है, ओके, चलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मार्केट डिमांड शेड्यूल के साथ, ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।